खोली रामलाला दरबार आउ छुटुची श्रद्धालु भिड़ प्राण प्रतिष्ठार तृतीय दिन में अयोध्या नगरी पलटि जनसमुद्र रामलाला दर्शन पाई दूरदूरा आसुंच भक्त राति प्राय तीन टू लाइन में ठिया होती भक्तगण शीत काकर को खातिर ना रामलाला दर्शन करने को समस्त मध्य उत्साह भिड़ नियंत्रण पर पुलिस पक्ष समस्त व्यवस्था कर 8000 अधिक सुरक्षाकर्मी अयोध्या मुतयन होती वृद्ध एवं दिव्यांग को 2 सप्ताह पर आसवाक परामर्श दी भिड़ को दृष्टि रखी परामर्श देते आईजी प्रवीण कुमार वरिष्ठ अधिकारी माने गर्भगृह रही भक्तों पर श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था कर मंदिर गर्भगृह में आईन श्रृंखला डीजी मॉनिटरिंग कर मंदिर भितर और बाहर विशेषकर पुलिस कड़ा सुरक्षा व्यवस्था रही। जय श्री राम। हम लोग हरियाणा रोहतक से आए हैं जी और हम लोग 10 तारीख से यहाँ पे आए हुए हैं और आज रात को हम 2 बजे यहाँ पे लाइन में लग गए थे। प्राण प्रतिष्ठा में भी हम लोग गए थे और हम लोग हमारा पूरा एक ग्रुप है 55 आदमी हम आए हुए हैं और हम 55 आदमी सुबह 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। ठंड का क्या मतलब है जी, प्रभु जी का इतना आशीर्वाद है, ठंड का कोई मतलब नहीं है जी। जय श्री राम। ये जोश जो है ये ठंड को खत्म कर देता है जी। जब आप भी इस लाइन में लगोगे और जय श्री राम के नारे लगाओगे आपका भी जोश, ठंड खत्म। जगन्नाथपुरी से आए हैं, बाइक टूर से आए हैं 16 तारीख से। हाँ जी, लंबी लाइन लगी है अभी तो। हमने 3 दिन से ना लाइन चल रहा है अभी। मतलब कल भी दर्शन मिले प्रभु को तो हम दर्शन किए, बहुत मन भर गया पूरा। आज भी कर रहे हैं ऐसा, मतलब आंख भरा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है हमको। तो इसके लिए हम लोग ना 2 जन बाइक से आए हैं, मतलब उड़ीसा से। तो भगवान का फिर से मतलब मन कर रहा है कि दर्शन करने के लिए। एवं सतत युक्ता ये भक्त स्वाम परिपास ते ये चाप्य रक्षण अव्यक्तम तेषां किलोग वित्तमा। प्रभु राम से यही कहूंगा कि जैसे आपका घर बना ऐसे ही हिंदुस्तान का हर एक तीर्थ स्थल बने। नरेंद्र भाई मोदी जी की इतनी आयु लंबी हो कि वो अपने आयु में सारे देश के तीर्थ स्थल इतने बढ़िया बना दें जैसे ये मेरे बुजुर्ग हैं। ये मेरे बुजुर्ग हैं जैसे, उनको कोई मुश्किल नहीं आए। और मैं एक बात साथ में कहना चाहता हूँ कि जैसे ये दर्शन बंद कर देते हैं, सुबह 4 बजे दर्शन खुलने चाहिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। नरेंद्र मोदी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं और हमारा जो ये भारत भूमि है आज धन्य हो गया, जो कि आज हम लोग 500 वर्षों से भगवान श्री राम जी त्रिपाल में रह रहे थे। धन्यवाद देते हैं हम सनातनी बंधुओं को, जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की, कि आज रामलला अपने घर में विराजमान हुए हैं। और मैं सारे सनातन बंधुओं को भगवान श्री राम का आशीर्वाद सभी पूरे देश को प्राप्त हो, पूरे विश्व को प्राप्त हो। जय जय श्री राम। कल का जो कुछ हुआ परेशानी लोगों को, आज हम उसको दूर करने की कोशिश किए कि लोगों को असुविधा ना हो और बढ़िया दर्शन कर पाए। सर, तो लगभग कितना स्टाफ आपका डिप्लॉय होगा यहाँ पे? अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास, पूरा मंदिर परिसर। भीड़ लगातार है और उसकी व्यवस्थाएं की जा रही है व्यवस्थित रूप से। लोग कतारबद्ध होकर के आएंगे, दर्शन कराएंगे। आपके माध्यम से अपील है, जो वृद्ध है, अशक्त है या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, वो अभी 2 हफ्ते बाद अपना पूरा कार्यक्रम को कर लें। तब तक ये जो हमारे युवा और सही लोग हैं ये अपने दर्शन करते रहेंगे। भीषण सर्दी को देखते हुए भी हमारा सभी से ये अनुरोध है। आज भी भीड़ रहेगी। मेरा सिर्फ लोगों से ये कहना है कि अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, उत्साह के साथ आए, लेकिन हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है कि सबको एक ही दिन में दर्शन करना है। आराम से कोई इसमें नहीं है। ये मंदिर हमेशा के लिए और व्यवस्थित रूप से दर्शन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा और हम लोग सारी व्यवस्थाएं उनकी करा रहे हैं। धन्यवाद। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।